आप देख रहे हैं जी न्यूज़, आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। डेढ़ बजे के इस बुलेटिन में स्वागत है आपका। जिंदगानी और हौसले की पोटली बांधकर दोस्ती के नाम पर हम सफर बने दो अनोखे हमजोली, यही कहानी आपके सामने आपसे कुछ ही देर में होगी। एक हिरण और दूसरी कबूतर, इसे आप बेजुबान मोहब्बत भी कह सकते हैं और अनोखा रिश्ता भी कह सकते हैं। शिकारियों के चंगुल से बचा एक हिरण कैसे इंसानी या इंसानों में घुल मिल गया और फिर उसकी दोस्ती एक परिंदे से हो गई। रिपोर्ट देखिए, दिलचस्प है। फेलिन और रडार का आपसी रिश्ता निराला है। दिसंबर 2015 को फेलिन नाम के इस नन्हे हिरन को सिडनी के बर्कशायर पार्क में शिकारियों के चंगुल से बचाया गया था। तभी से इस हिरन और कबूतर के बीच जबरदस्त ट्यूनिंग बन गई है। फेलिन और रडार के पास एक दूसरे से बातचीत के लिए अल्फाज नहीं है, इसके बावजूद दोनों ने एक दूसरे की जरूरतों को समझ लिया है। अब दोनों एक साथ लंबा वक्त बिताते हैं, एक दूसरे के साथ खेलते हैं। ये नटखट कबूतर, जिसे सब रडार बुलाते हैं, फेलिन को गुदगुदाती रहती है। रडार को फेलिन की पीठ पर बैठकर तफरीह करना पसंद है। फेलिन भी अपने इस दोस्त के नखरे बर्दाश्त करता है। वो घंटों नटखट कबूतर को अपनी पीठ पर सैर कराता है। दिसंबर 2015 में नन्हा फेलिन अपने झुंड से बिछड़ गया। शिकारियों के हमले में उसकी माँ मारी गई। तब जेस बार्कली उसे अपने साथ न्यू साउथ वेल्स में अपने घर ले आए। जल्दी ही फेलिन घर के लोगों से घुल मिल गया, लेकिन फेलिन और रडार के बीच गहरी दोस्ती हो गई। फेलिन और रडार एक ही बिस्तर पर सोते हैं, साथ टीवी देखते हैं और घर में धमाचौकड़ी मचाने के वक्त तो दोनों हमेशा साथ ही रहते हैं। इंसानों के बीच रह रहा ये नन्हा हिरन यहाँ मिले प्यार की वजह से ही बच पाया है। जाहिर है किसी जंगली जानवर का इंसानों के बीच यूं रहना हैरत में डालता है, लेकिन लगता है कि रडार नाम के इस कबूतर से फेलिन की दोस्ती उसे यहाँ रहने में इत्मीनान दे रही है। फेलिन को अब जंगल में छोड़ना मुमकिन नहीं है, ऐसे में अब जेस का घर ही उसका आशियाना बन गया है। अब मिलिए दोस्तों की इस नई जोड़ी से। आमतौर पर डॉगी और बिल्लियां एक दूसरे की दुश्मन मानी जाती हैं, लेकिन 3 साल के जेसी और 4 महीने की नन्ही बिल्ली कोडा, इनकी दोस्ती नई मिसाल पेश कर रही है। जेसी और कोडा कनाडा के अल्बर्टा में अपने मालिक एमिली के साथ रहते हैं। एमिली को आउटिंग पसंद है और इस मौके पर जेसी और कोडा भी साथ रहते हैं। यहाँ जेसी नन्ही कोडा का खास ख्याल रखता है, उसे अपनी पीठ पर सैर करवाता है। तो फेलिन और रडार हो या फिर जेसी और कोडा, ये दोस्ती फ्रेंडशिप के नए रिश्ते कायम कर रही है। इन अनोखे दोस्तों को हमारी तरफ से भी गुड लक। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बेजुबान मोहब्बत का तो जिक्र कर लिया,